Hello, my dear students. Today I am going to start a new topic of high voltage engineering. This is subject is in the curriculum of electrical engineering 7th semester, and the topic is series and shunt compensation of the transmission network or extra high voltage line. Before that, going to explain the topic series compensation as well as shunt compensation. You have to know what is the compensation. Compensation kya hai? So compensation is a process to improve the quality of power. अब आप बोलेंगे किस टाइप की क्वालिटी ऑफ पावर? जनरली जो आपके ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसमें दो एंड होते हैं, आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट इज सेंडिंग एंड सेकेंड वन इज रिसीविंग एंड. तो जो रिसीविंग एंड पे जो हमारा आउटपुट हमें जो मिल रहा है पावर की क्वालिटी, इट मे बी अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसमिशन इंडक्टेंस एज वेल एज कैपेसिटेंस. जो ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जनरेट होता है उसके कारण जो हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज है उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी में पावर की जो प्रोफाइल है क्वालिटी है उसमें कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा. वो क्या अफेक्ट होता है? कभी कभार अगर इंडक्टेंस ज्यादा है तो हमारा जो रिसीविंग इन पावर है उसमें लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, और कई बार जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उसके कारण रिसीविंग इन वोल्टेज जो है आपकी हमेशा सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है ड्यू टू लीडिंग पावर फैक्टर. तो इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए जनरली दो टाइप के कंपनसेशन यूज किए जाते हैं, है ना? एक सीरीज कंपनसेशन और दूसरा संट कंपनसेशन. आपने सुना होगा संट रिएक्टर्स होते हैं, सीरीज कैपेसिटेंस होती है अरेंजमेंट, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे कैसे होता है. बिफोर दैट आई सजेस्ट यू, इफ यू आर केम फर्स्ट टाइम इन माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन IKG PTU कपूरथला और एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, एंड इफ यू आर द फैकल्टी मेंबर्स इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी इंजीनियरिंग कॉलेज इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर स्टूडेंट्स. एंड बिफोर दैट आई ऑलरेडी सजेस्ट यू to getting the more knowledge and deep knowledge and actual concepts of this particular topic, you have to refer these books already referred by me in every slides. मैं हर एक स्लाइड में ये मेंशन इसीलिए करता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि आई एम दी परफेक्ट. मैं ये नहीं कहता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना होता है उतना बता के मैं निकल रहा हूँ. अपडेटेड स्लाइड्स आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, बट बिफोर दैट अगर आपको डीप नॉलेज लेना है और उसका एक्चुअल कंसेप्चुअल नॉलेज लेना है तो यू हैव टू रेफर दीज बुक्स जो मैंने ये सारा का सारा मेंशन किया हुआ है. क्लियर है? तो उसके बाद हम लोग जब अब जा रहे हैं आगे, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीरीज कंपनसेशन पे. आपको मैंने बता दिया कंपनसेशन इज ए प्रोसेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पावर एट द रिसीविंग इन साइड. वहां पे हम लोग पावर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं. तो सीरीज कंपनसेशन जो है उसमें क्या कहता है? सीरीज कंपनसेशन इज बेसिकली ए पावरफुल टूल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ EHV लाइन, मींस एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. इट कंजिस्ट ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन एट सुटेबल लोकेशन. जो ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है हमारा उसके बीच में हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको लोकेट करते हैं. जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लिया हूं समझाने के लिए आपको. ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है और ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क है. तो आप ये देख रहे हैं सीरीज कंपनसेशन जो है, दीज आर दी कैपेसिटर बैंक्स कनेक्टेड सीरीज अक्रॉस द लाइन. और ये क्या करेगा? जो इंडक्टेंस है उसके इंप्रूवमेंट हमें कर देगा. वो कैसे करेगा ये सब हम आगे की स्लाइड में देखते जाएंगे, समझते जाएंगे. सेकेंड कहता है, इन अदर वर्ड्स, इन सीरीज कंपनसेशन रिएक्टिव पावर इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द ट्रांसमिशन लाइन फॉर इंप्रूविंग द इंपीडेंस ऑफ द सिस्टम. अब इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल से पढ़ते आ रहे हैं. इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज कंपनसेशन का मतलब यह है कि हम कैपेसिटर्स लगा रहे हैं. इट मींस इसमें ऑलरेडी इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है. जब आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां पे जब आप ABCD पैरामीटर्स निकालते हैं तो जनरली आपको ये सारे टर्म्स आएंगे कि ट्रांसमिशन नेटवर्क में रेजिस्टेंस कितना है, इंडक्टेंस कितना है और कैपेसिटेंस कितना है. जनरली तीन टाइप के लाइंस हम लोग वहां पे बताते हैं, शॉर्ट लेंथ, मीडियम लेंथ और लॉन्ग लेंथ.
तो मीडियम लेंथ जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जनरली इम्पीडेंस ही जनरेट होता है और लैगिंग पावर फैक्टर उसके कारण होता है, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। अब एक्सएल की वैल्यू को हमें रिमूव करना है तो हमें सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, एक्सएल माइनस एक्सी होता है वो टर्म्स, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जीरो कर दे ताकि हमारा आर अपॉन जेड जो है वो आर अपॉन आर हो जाए, यानी यूनिटी पावर फैक्टर हम लोग अचीव कर। क्लियर है ये चीज? तो उसी प्रोसेस को हम लोग कंपनसेशन कहते हैं। मोस्टली यूज इन एक्स्ट्रा, इट इज मोस्टली यूज इन एक्स्ट्रा एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होगी या अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होगी उसी में हम ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे सीरीज कंपनसेशन के हमें क्या क्या फायदे हैं, उसको कहां कहां लगाते हैं और क्या प्रॉपर उसका कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पहला है एडवांटेज ऑफ सीरीज कंपनसेशन। अब सीरीज कंपनसेशन के आप एडवांटेज देखिए, इसमें पहला क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसको ये इंक्रीज करता है। अब ट्रांसमिशन कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करता है वो आप देखिए, किसी भी ट्रांसमिशन नेटवर्क में द पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू ईवी अपॉन एक्स साइन डेट। हमें पता है कि जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है ट्रांसफर करने की, दैट विल बी इक्वल टू ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, वेयर ई इज द सेंडिंग इन वोल्टेज, वी इज द रिसीविंग इन वोल्टेज, एक्स इज द रिएक्टेंस ऑफ लाइन एंड डेल इज द फेज एंगल बिटवीन सेंडिंग इन वोल्टेज टू द रिसीविंग इन वोल्टेज, जिसके थ्रू हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। क्लियर है ये चीज? अब पावर ट्रांसफर विदाउट एंड विद कंपनसेशन हम लोग देखते हैं। अगर हमने विदाउट कंपनसेशन किया तो हमारा जो पावर है वो क्या होगा, ईवी अपॉन एक्सएल साइन डेल, और जब मैंने कंपनसेशन लगा दिया, सीरीज कैपेसिटर लगा दिया मैंने, तो हमारा P2 क्या होगा, EV अपॉन XL माइनस XC साइन डेल्टा, वेयर अब जब मैं P2 अपॉन P1 कर दूंगा तो XL अपॉन XL माइनस XC, क्योंकि ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है तीनों ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपको बचेगा क्या, XL अपॉन XL माइनस XC। हम लोग अगर इसको बायफर्केट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस XC अपॉन XL, और XC अपॉन XL को मैंने क्या मान लिया, K, वेयर K इज द डिग्री ऑफ कंपनसेशन। क्लियर है? जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इज इक्वल टू एक्सी अपॉन एक्सएल। मैंने दो इक्वेशन लिए पावर ट्रांसफर कैपेसिटी के, पहला हमारा है विदाउट कंपनसेशन और दूसरा जब मैंने सीरीज कंपनसेशन अप्लाई कर दिया उस केस में। तो इस केस में जब मैंने अप्लाई कर दिया तो हमारा जो इक्वेशन आया पी टू अपॉन पी वन, दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस के। अब K की वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपनसेशन। अब उसमें यह है कि द इकोनॉमिक डिग्री ऑफ कंपनसेशन लाइज इन द रेंज ऑफ 40-70%, मींस द K ऑलवेज लेस देन 1 एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0.4-0.7। अगर इस बीच में होगा तो हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है दैट विल बी मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू। क्लियर है ये चीज? अब उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इंप्रूवमेंट ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी। फॉर सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर एंड सेम वैल्यू ऑफ ई एंड वी, मैं पहले ही बता चुका हूं ई इज द सेंडिंग इन वोल्टेज एंड वी इज द रिसीविंग इन वोल्टेज, द डेल्टा डेल इन द केस ऑफ सीरीज कंपनसेटेड लाइन इज लेस देन दैट ऑफ अनकंपनसेटेड लाइन। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है सीरीज कंपनसेशन लाइन की वो कम होती है एज कंपेयर टू कंपनसेटेड लाइन। सो पी इज इक्वल टू ई डॉट वी एक्सएल साइन डेल वन, एंड पी हमने दूसरा केस लिया कंपनसेशन में ई डॉट वी अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी साइन डेल टू। तो साइन डेल टू अपॉन साइन डेल वन क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन एक्सएल, ये वैल्यू हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा हम एक्सी की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये फैक्टर जो है वो कम होगा, क्योंकि XC अगर ज्यादा होगा तो माइनस होगा, इसका डिनोमिनेटर तो XL है ही। क्लियर है? अब ये यूनिटी कब होगा, जब हम XC लगाएंगे ही नहीं, और जितना हम XC का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे यूनिटी से कम होगा, और इस दोनों की रेशियो की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा हमारा ट्रांसफर सिस्टम जो है ट्रांसमिशन सिस्टम वो स्टेबल होगा। ए लोअर डेल मीन्स बेटर सिस्टम स्टेबिलिटी। साफ कहा कह रहा है यहां पे कि अगर हमारी वैल्यू जो है डेल की वो कम होगी तो हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा।
ज्यादा स्टेबल। अब आगे जब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, सीरीज कंपनसेशन ऑफर्स मोस्ट इकोनॉमिक सॉल्यूशन फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू अदर मेथड। मीन सीरीज कंपनसेशन जो है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इकोनॉमिक है एज कंपेयर टू अदर कंपनसेशन प्रोसेस। रिड्यूसिंग जनरेटर ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस, बंडल्ड कंडक्टर इंक्रीज नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट्स। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इसके लिए हमें लोग स्टेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो दो फैक्टर हमने देखे, पहला हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अच्छा हो रहा है और दूसरा हमारा सिस्टम स्टेबिलिटी अच्छा हो रहा है इफ वी अप्लाई ए सीरीज कंपनसेशन इन ए ट्रांसमिशन नेटवर्क। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, थर्ड कहता है लोड डिवीजन बिटवीन पैरेलल सर्किट्स। मीन्स व्हेन ए सिस्टम इज टू बी स्ट्रेंथेन बाय द एडिशन ऑफ ए न्यू लाइन और व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग सर्किट इज टू बी एडजस्टेड फॉर पैरेलल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और मिनिमाइज लॉसेस सीरीज कंपनसेशन कैन बी यूज्ड। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पैरामीटर आपने देखा है कि जब हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी सिस्टम की बनानी है, एबिलिटी बनानी है, तो हमें सीरीज कंपनसेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक एग्जांपल लिया हुआ है एक कंट्री का, इट इज ऑब्जर्व्ड इन स्वीडन दैट द कॉस्ट ऑफ द सीरीज कंपनसेशन इन द 420 केवी सिस्टम वाज इंटायरली रिकवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन लॉसेस इन द 220 केवी सिस्टम ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद द 420 केवी सिस्टम। अगर हमने सीरीज कंपनसेशन लगा लिया है तो हमारा जो उसका कॉस्ट है वो कंपनसेट इंटायरली रिकवर्ड हो जाता है लॉसेज जो 220 केवी सिस्टम में हमारा हो रहा है पैरेलल विद 420 केवी सिस्टम। ये एग्जांपल स्वीडन में ऑलरेडी प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुका है। उसके बाद आपका कहता है लेस इंस्टॉलेशन टाइम। तो इसमें जो सीरीज कंपनसेशन हम लोग करते हैं उसमें देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, द इंस्टॉलेशन टाइम ऑफ द सीरीज कैपेसिटर इज स्मॉलर 2 year approx as compared to installation time of parallel circuit line 5 year approx। अब अगर मैं उसकी जगह पे एक parallel line बनाऊं system transmission efficiency को बढ़ाने के लिए, उसमें जो time लगेगा वो 5 years के आसपास लगेगा, but अगर मैं उसके parallel line में कहीं पे भी मैं locate कर दूं एक आपका क्या कहते हैं इसको series capacitors को, तो वो 2 साल में हमारा setup बन जाता है पूरा। सो नेक्स्ट इसमें कहता है दिस रिड्यूस द रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर को भी रिड्यूस करता है सीरीज कंपनसेशन, हेंस यूज्ड टू हिट द करंट थर्मल लिमिट। तो ये जो करंट थर्मल लिमिट है उसको भी यूज करता है। द लाइफ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड कैपेसिटर इज जनरली 20 to 25 years। मीन्स जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और जो हम सीरीज में इसके कैपेसिटर बैंक्स लगा रहे हैं टू इंप्रूव द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन स्टेबिलिटी ऑफ पावर, वो 20 से 25 इयर्स तक हम लोग सिक्योर हो जाते हैं इन द केस ऑफ सीरीज कंपनसेशन। नेक्स्ट आप देखिए, अब ये तो सारे हो गए इसके एडवांटेजेस की बातें, और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है आज तक जिसमें अगर कोई एडवांटेजेस है तो कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होगा। सो वी विल डिस्कस राइट नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कंपनसेशन। सीरीज कंपनसेशन जो हम लगा रहे हैं सिस्टम में ट्रांसमिशन नेटवर्क में, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है उस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है इंक्रीज इन फॉल्ट करंट। जो फॉल्ट करंट होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सीरीज कैपेसिटी। सेकेंड है माल ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस रिले इफ द डिग्री ऑफ कंपनसेशन एंड लोकेशन इज नॉट प्रॉपर। तो अभी मैंने कुछ देर पहले डिग्री ऑफ कंपनसेशन निकाली थी आपकी सीरीज कैपेसिटेंस की, अगर उसमें कुछ प्रॉपर नहीं होता है और कंपनसेशन का लोकेशन प्रॉपर नहीं होता है तो हमारा ये जो सिस्टम है वो सही नहीं काम करेगा। थर्ड कहता है हाई रिकवरी वोल्टेज ऑफ लाइंस अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स एंड इज हार्मफुल। तो रिकवरी वोल्टेज जो लाइंस का होता है सर्किट ब्रेकर्स के कॉन्टेक्ट्स का वो ज्यादा हो जाता है और उस कारण से वो कभी कभी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है ओवरऑल आपके कंट्रोलिंग सिस्टम में। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ फेरो रेजोनेंस। तो फेरो रेजोनेंस में क्या कहता है, व्हेन ए अनलोडेड और लाइटली लोडेड ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड थ्रू ए सीरीज कंपनसेटेड लाइन फेरो रेजोनेंस में अकर, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजोनेंस अकर्ड इन बिटवीन द आयरन क्रिएटेड इंडक्टेंस ड्यू टू आयरन पार्ट इन द ट्रांसफार्मर
एंड इन द रिएक्टेंस ऑफ द कंपनसेटेड लाइन दिस विल कॉज ए फ्लो ऑफ आई करंट। अब क्या होता है, कई कई बार जब लाइट लोड सिस्टम में होता है तो ये तो कंपनसेशन कर ही रहा है, तो जो हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज ऑलरेडी ज्यादा चला जाता है वो इसके साथ और मर्ज करके एक फेरो रेजोनेंस क्रिएट कर देता है वहां पे, दैट विल बी हार्मफुल फॉर द ट्रांसमिशन नेटवर्क। सेकेंड है आपका प्रॉब्लम ड्यू टू सब सिंक्रोनस रेजोनेंस। अब इसमें क्या होता है, द सीरीज कैपेसिटर इंट्रोड्यूसेज ए सब सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी इन द सिस्टम। इन सम केस दिस फ्रीक्वेंसी में इंटरैक्ट विथ वीक स्टीम टर्बाइन जनरेटर शाफ्ट एंड गिव राइज टू हाई टॉर्शनल स्ट्रेस। इसमें एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है थर्मल पावर प्लांट के टर्बाइन के जनरेटर जनरेटिंग साइड पे। इन हाइड्रो टर्बाइन जनरेटर द रिस्क ऑफ सब सिंक्रोनस रेजोनेंस इज स्मॉल बिकॉज द टॉर्शनल फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 10 हर्ट्ज और लेस, इवन लेस। तो हाइड्रो में कम होता है क्योंकि हाइड्रो के जो पोल्स होते हैं नंबर ऑफ पोल्स वो ज्यादा होते हैं हाइड्रो अल्टरनेटर्स के, तो वहां पे कम होता है। बट जो आपका स्टीम पावर प्लांट होता है वो जनरली मैक्सिमम 4 पोल तक का अल्टरनेटर हम लोग यूज करते हैं इन द केस ऑफ स्टीम पावर प्लांट, तो वहां पे ये ज्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये सारे जो है ये डिसएडवांटेजेज है। आपसे कई बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनुमिरेट द डिसएडवांटेजेज ऑफ सीरीज कंपनसेशन इन ए ट्रांसमिशन नेटवर्क, तो आपको यही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। अब नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन ऑफ सीरीज कैपेसिटर्स। तो अब देखिए लोकेशंस कौन कौन से है, जनरली 3 लोकेशंस होंगे हम जहां पे लोकेट करेंगे सीरीज कैपेसिटर्स को। तो पहला है द चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ द सीरीज कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन मेनी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कंसीडरेशन। दोनों चीजें देखनी पड़ेगी अपने को, टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिकल। इन ईच केस ए स्पेशल स्टडी सिस्टम कंसर्निंग लोड फ्लो स्टेबिलिटी ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेज प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट सिस्टम वोल्टेज प्रोफाइल एटसेट्रा, ये सब सारी चीजें कंसिडर की जाती है बिफोर लोकेटिंग ए सीरीज कैपेसिटर और सीरीज कंपनसेशन इन ए ट्रांसमिशन नेटवर्क इज नेसेसरी बिफोर द ऑप्टिमल लोकेशन इज चोजन। मतलब उसका ऑप्टिमल लोकेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए सारे पैरामीटर्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती। तो इसमें पहला है लोकेशन अलॉन्ग द लाइन। तो इसमें कहता है इन दिस मेथड द कैपेसिटर बैंक इज लोकेटेड एट द मिडल ऑफ द लाइन इफ वन बैंक और एट 1/3 डिस्टेंस अलोंग द लाइन इफ टू बैंक। दिस हैज एडवांटेज ऑफ बेटर वोल्टेज प्रोफाइल अलोंग द लाइन लेजर शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द कैपेसिटर इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट एंड सिंपलर प्रोटेक्शन ऑफ कैपेसिटर द कैपेसिटर स्टेशन इज जनरली अनटेंडेड। मीन्स अगर हम एक कैपेसिटर बैंक लगा रहे हैं तो पूरे सेंटर में लगाएंगे, अगर हमें 2 कैपेसिटर बैंक की लगाने की जरूरत है तो हम उसको 2/3 डिस्टेंस पे बराबर डिस्टेंस पे लगाएंगे ताकि हमें प्रॉपर इसका जो है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक हम लोग अचीव कर सके। दूसरा कहता है लोकेशन एट वन और बोथ एंड ऑफ लाइन सेक्शन ऑन द लाइन साइड इन द स्विचिंग स्टेशन। अब इसका जो एडवांटेज है वो क्या कहता है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस लोकेशन इज दैट द कैपेसिटर इंस्टॉलेशन इज नियर द मैंड सब स्टेशन हाउएवर रिक्वायर्स मोर एडवांस्ड लाइन प्रोटेक्शन फॉर द सेम डिग्री ऑफ कंपनसेशन मोर MVAR कैपेसिटी इज नीडेड एज कंपेयर टू मेथड 1। इसमें एक्स्ट्रा MVAR कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है मेथड 1 के जो हम लोग लोकेशन अलोंग द लाइन कर रहे हैं मिडिल में या 2/3 जो भी हमारे जितने सिस्टम लगने उसके हिसाब से। तीसरा कहता है लोकेशन विथ बस बार्स विद इन स्विचिंग स्टेशन। तो तीसरा क्या होता है, जो हमारा बस बार का है उसके स्विचिंग के साथ हम लोग ये लगाते हैं कैपेसिटर में, तो वहां पे भी हम ये इंप्रूव कर सकते हैं। तो सो दीज आर दी 3 टेक्निक्स वेयर वी लोकेट द कैपेसिटर बैंक और सीरीज कंपनसेशन डिवाइस टू कंपनसेट द ओवरऑल ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो ये 3 आपके थे। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है कंपनसेशन का, दैट पार्ट इज कॉल्ड संट कंपनसेशन। संट कंपनसेशन क्या कहता है वो हम देखते हैं। संट कंपनसेशन में पहला पॉइंट कहता है फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द लाइन कैपेसिटेंस इज हाई एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वोल्टेज कंडीशंस ऑफ द रिसीविंग एंड। मैंने पहले भी कहा है आपको, जब भी आप ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्टडी करेंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप स्टडी करोगे, तो ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया कि जनरली 3 टाइप्स के लाइन होते हैं, फर्स्ट इज शॉर्ट लेंथ, दूसरा मीडियम लेंथ और तीसरा लॉन्ग लेंथ। तो जब लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन नेटवर्क की आप बात करेंगे
वहां पे हमेशा क्या होता है, जो आपका रिसीविंग इन वोल्टेज होता है दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू सेंडिंग इन वोल्टेज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस जनरेट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन सिस्टम। जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है और उस कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सेंडिंग इन वोल्टेज। अब इसमें क्या किया गया, व्हेन द लाइन इज लोडेड देन द रिसीविंग पावर डिमांड ऑफ द लोड इज पार्शियली मेट बाय द रिएक्टिव पावर जनरेटेड बाय द लाइन कैपेसिटेंस एंड द रिमेनिंग रिएक्टिव पावर डिमांड इज मेट बाय द रिएक्टिव पावर फ्लो थ्रू द लाइन फ्रॉम सेंडिंग इन टू द रिसीविंग। वही चीज जो मैंने आपको बताया, वही चीज कहा जा रहा है इसमें कि पावर जनरेटेड बाय द लाइन कैपेसिटेंस एंड द रिमेनिंग रिएक्टिव पावर डिमांड इज मेट बाय द रिएक्टिव पावर फ्लो थ्रू द लाइन फ्रॉम सेंडिंग इन टू द रिसीविंग। क्लियर है। तीसरा कहता है व्हेन लोड इज हाई मोर देन SIL, SIL आपको मैंने बताया सर्ज इंपीडेंस लोडिंग जो है, देन ए लार्ज रिएक्टिव पावर फ्लो फ्रॉम सेंडिंग इन टू द रिसीविंग इन रिजल्टिंग इन लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन। चौथा पॉइंट कहता है टू इंप्रूव द वोल्टेज एट द रिसीविंग इन शंट कैपेसिटर्स मे बी कनेक्टेड एट द रिसीविंग इन टू जनरेट एंड फीड द रिएक्टिव पावर टू द लोड सो दैट रिएक्टिव पावर फ्लो थ्रू द लाइन एंड कॉन्सिक्वेंटली द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन इज रिड्यूस्ड। तो जो आप देख रहे हो इसमें हम लोग संट कैपेसिटेंस का मैकेनिज्म लगाते हैं उसको मैनेज करने के। आखिरी कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू कंट्रोल द रिसीविंग एंड वोल्टेज ए बैंक ऑफ कैपेसिटर्स लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इंस्टॉल्ड एट द रिसीविंग एंड एंड सुटेबल नंबर ऑफ कैपेसिटर आर स्विच्ड इन ड्यूरिंग हाई लोड कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द लोड डिमांड। तो आप देखते क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करके हम इसको सिस्टम में लगाते हैं इन द केस ऑफ संट कैपेसिटेंस की जब मैं बात करूं उस केस। क्लियर है। अब नेक्स्ट कहता है दस द कैपेसिटर प्रोवाइड्स लीडिंग VAR टू पार्शियली मीट रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ द लोड टू कंट्रोल द वोल्टेज। नेक्स्ट कहता है व्हेन लोड इज ए स्मॉल लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग जितना है हमारा उसके से कम होता है देन द लोड रिएक्टिव पावर डिमांड मे इवन बी लेजर देन द रिएक्टिव पावर जनरेटेड बाय द लाइन कैपेसिटर। उस केस में क्या होता है, अंडर दीज कंडीशन द रिएक्टिव पावर फ्लो थ्रू द लाइन बिकम नेगेटिव दैट इज द रिएक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम द रिसीविंग इन टू सेंडिंग इन एंड द रिसीविंग इन वोल्टेज इज हायर देन सेंडिंग इन वोल्टेज। इसको हम लोग कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा जब मैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब सिलेबस में आएगा या किसी और यूनिवर्सिटी का जब मैं उठाऊंगा वहां मैं एक अलग से टॉपिक लूंगा फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट में जनरली जो आपका रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट एंड दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस जनरेटेड इन ए ट्रांसमिशन लाइन। जनरली ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में होता है, वहां में भी सीडी पैरामीटर उसके निकालते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड इज नेसेसरी टू एब्जॉर्ब और सिंक रिएक्टिव पावर। जरूरी है हमें उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमें रिसीविंग इन पे रिएक्टिव पावर्स मिल रहे हैं उसको या तो हम एब्जॉर्ब करेंगे या सिंक करेंगे। This is achieved by connecting shunt reactors at the receiving end. मैं first time shunt reactor देखा था कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, अडूपुरा ग्वालियर में जब मैं 400 kV का power grid का सब स्टेशन था तो वहाँ हम लोग generally पहले lagging power factor पे ही काम करते थे क्योंकि mostly मैंने जो देखा था वो मैंने देखा था capacitor bank ही लगा हुआ और जो आपका MP मैं गया था MP KVL के उसमें सब स्टेशन में तो वहाँ running condition में नहीं थी लेकिन उन्होंने जब सब स्टेशन बनाया था तो उन्होंने इंस्टॉल्ड किया हुआ था दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर जिसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो आजकल जितने भी लॉन्ग ट्रांसमिशन के लाइन है वहां पे हमें रिएक्टर्स ही लगाने पड़ते क्योंकि वहां पे रिएक्टिव पावर फैक्टर नहीं होता है, इंडक्टिव पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर नहीं होता, हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर ही होता है। तो वहां पे जनरली आजकल हम लोग रिएक्टर्स ही लगाते हैं पावर ग्रिड के जितने भी हाई रेंज के ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसके केस। तो सिंक्रोनस कंडेंसर में एक फायदा यह होता है कि हम दोनों तरह के पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उसको हम दोनों कंडीशन में चला सकते हैं, अंडर एक्साइटेशन ओवर एक्साइटेशन और लीगिंग एंड लैगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर को हम लोग उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं।
To control the receiving in voltage, generally one shunt reactor is installed and switched in during the light load condition. जब light load condition होता है उस केस में हम उसको switch on कर देते हैं. आजकल सारा का सारा system PLC based है, SCADA based है, तो automatically जैसे ही load कम होता है वो turn on हो जाता है और अपना काम properly करने लगता है and to maintain the quality of the power. Next है to meet the variable reactors, reactive power demand requisite number of shunt capacitors are switched in addition to the shunt reactor which results in adjustable reactive power absorption by the combination. Means आप generally ये समझ लीजिए कि overall जो compensation करने का कारण है वो एक ही कारण है कि जो हमारा receiving end पे voltage profile है या power का profile है वो किसी ना किसी कारण से affect हो रहा है. Either inductive power generated in a transmission network or capacitive, यानी कि leading और lagging जो भी है उसके कारण हमारा हमेशा sending in voltage profile जो है वो affect होता है. उसको हमें pure और अच्छी quality का बनाने के लिए we have to compensate the overall entire electrical system. उसको हम लोग compensate करते हैं उस चीज के लिए. ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था, दिस टॉपिक इज नोन एज कंपनसेशन टेक्निक एंड दिस इज कॉल्ड जनरली टू टाइप्स ऑफ कंपनसेशन. फर्स्ट इज सीरीज कंपनसेशन एंड सेकेंड इज शंट कंपनसेशन. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया है तो आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंपनसेशन एंड एक्सप्लेन द सीरीज एंड शंट कंपनसेशन टेक्निक. तो उसके एडवांटेजेस भी क्या है, उसके लोकेशंस क्या है, वो क्या काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन इन माय लेक्चर नंबर 7. दिस इज हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो आप इसको प्रॉपरली स्टडी करिए. अगर इससे डिटेल नॉलेज आपको चाहिए तो यू कैन रेफर दीज बुक्स. और अपडेटेड लेक्चर जो इसका है कंपनसेशन टेक्निक का विद फुल डायग्राम और मे बी सम वीडियोज ऑल्सो मैं इंटर करूंगा एक पर्टिकुलर सब स्टेशन का कि हाउ इट विल कंट्रोल एंड हाउ इट विल इम्प्रूव द प्रोफाइल ऑफ वोल्टेज प्रोफाइल और पावर प्रोफाइल ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क कैसे करता है सीरीज और शंट के दोनों के केस में मैं लेके आऊंगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर गाइज. तब तक के लिए आप इसको देखिए और इसी के हिसाब से आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर को तैयार करिए, यूनिवर्सिटी पेपर लिखिए और किसी भी तरह के री अपीयर आने का तो चांस ही नहीं है. सिक्योर ए गुड मार्क्स एंड पास. ठीक है, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एज सून एज पॉसिबल. वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आप कहीं पे फैकल्टी है तो आप भी इसको देखें, इसको शेयर करें. मैं मैक्सिमम कोई भी वीडियो 30 मिनट का जा सकता है, उससे ज्यादा कोई भी वीडियो नहीं जाएगा, लेकिन आपका उस टॉपिक का कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करेगा, ये मेरी गारंटी है. अगर फिर भी कोई कमी बेस रह जाती है तो नेक्स्ट जो अपडेटेड लेक्चर होगा वो तो आपका पूरा का पूरा नॉलेज बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर कर देगा रिगार्डिंग एवरी टॉपिक. ओके गाइज, सो विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you and thanks for watching.